चुप रहकर जवाब देना सीखो। हम इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है हर पल को फिजूल की बातों से भर देना, जबकि वो जरूरी भी ना हो। लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करने से पहले ही अपने शब्दों को बोल देते हैं, जब उनका रिस्पॉन्स प्रिपेयर्ड भी नहीं होता या फिर बोलना भी जरूरी नहीं होता। तुमको पता भी नहीं चलता और बेमतलब की बातें करने की आदत से तुम सबसे ज्यादा परेशान रहते हो। उल्टा तुम्हें लगता है कि चुप रहने से तुम अजीब दिखोगे या तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक लैक ऑफ क्यूरियोसिटी दिखेगी। लेकिन चुप रहने की इस इनक्रेडिबल पावर को जान लो। तुम्हें यह तय करना होगा कि कब बोलो और कब चुप रहो, और ये आदत तुम्हारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज को अनलॉक करेगी जिसका अंदाजा तक तुमने कभी नहीं लगाया होगा। इंसान को हर समय कुछ ना कुछ बकवास करने की एक इनक्रेडिबल नीड फील होती है। ज्यादा चुप रहने में तो जैसे हम बेचैन हो जाते हैं, हम बिना सोचे समझे जो दिमाग में आता है बड़बड़ाने लगते हैं। पर तब क्या जब कभी तुमने जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह दिया जिसको तुम वापस नहीं ले सकते, किसी गलत व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी तो? समझ लेना, बेतुकी बात करने से तुम्हारे गोल्स, रिलेशनशिप, रेस्पेक्ट और मन की शांति पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम इंटेंशनली ये तय करो कि कब अपनी आवाज उठाओगे और कब रुकोगे, तो ये सिंपल लेकिन डीप ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे जीवन को ही बदल देगा। द रियल पावर ऑफ साइलेंस। जब तुम हर बार बोलने से पहले एक पॉज लेते हो, तो ये तुम्हारे दिमाग को फालतू बातें ना करने के लिए ट्रेन करता है। तुम्हें समय मिलता है ये सोचने के लिए कि क्या मेरी बात किसी काम की होगी या सिर्फ एक खाली जगह को भरेगी। साइलेंस ऐसी बातचीत के लिए जगह बनाता है जो सचमुच तुम्हारे और दूसरों के लिए फायदेमंद होगी। जैसे जैसे तुम साइलेंस से कंफर्टेबल होने लगोगे, तुम्हारे अंदर खुद पर कंट्रोल रखने की एक सुपर पावर आ जाएगी। तुम्हारी इमीडिएटली रिएक्ट करने की आदत एक अवेयरनेस से भरा और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करने में बदल जाएगी। तुम एक अननेसेसरी बोलने वाले इंसान से सोच समझकर और सेंसिबल बातें करने वाले इंसान बन जाओगे। द पावर ऑफ बीइंग जस्ट प्रेजेंट विदाउट स्पीकिंग। साइलेंस से तुम्हारी प्रेजेंस और गहरी हो जाती है। जब तुम अगला सेंटेंस बनाने में बिजी नहीं होते, तो तुम दूसरों से जुड़ सकते हो। तुम अपने आसपास के माहौल को ज्यादा गौर से देख पाते हो और समझ पाते हो। तुम अपने अंदर की गहराई को भी जान पाते हो। शब्दों के बीच के इस खालीपन में कई बार बड़े बड़े आइडियाज और सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। द पावर ऑफ अथॉरिटी। अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, तो बिल्कुल सही टाइमिंग पर साइलेंस तुमको रेस्पेक्ट और अथॉरिटी दोनों ही दिला सकता है। जब तुम कम बोलते हो लेकिन मीनिंगफुल बातें करते हो, तो लोग तुम्हारी हर बात सुनने के लिए क्यूरियस रहते हैं। वो तुमको ज्यादा सोच समझकर बात करने वाला मानते हैं। साइलेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। ऐसे में एक अनकहा मैसेज तुम दूसरों को देते हो जो कन्वे करता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान खींचने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारी बातों को और ज्यादा सीरियसनेस देता है। द पावर ऑफ इनसाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चुप रहने से तुम अपने आप को आत्मिक स्तर पर या सोल लेवल पर जान सकते हो। जब तुम बाहरी दुनिया के कॉन्स्टेंट चैटर और बकवास से दूर हो जाते हो, तो तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज तुम्हें सुनाई देने लगती है। तुम धीरे धीरे अपनी सबसे गहरी नीड्स, वैल्यूज, पावर्स, ट्रिगर्स और रियलिटीज को पहचानने लगते हो। बेकार की बातों के डिस्ट्रैक्शन से हटकर तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो, इस पर पूरी क्लैरिटी मिलती है। तुमको पता चलता है कि कौन तुम्हारा टाइम और अटेंशन डिजर्व करता है और कौन नहीं। तुम खुद को माइंडलेस रिएक्टिविटी से कॉन्शियस ऑथेंटिसिटी की तरफ अनलॉक कर पाते हो। अगर तुम स्ट्रेटेजिक साइलेंस प्रैक्टिस करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो,
तो मैं तुम्हें 5 ऐसी टिप्स देता हूं जो तुम्हें स्ट्रेटेजिक साइलेंस प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगी। पहली, कॉन्शियसली खुद को रोको अगर तुम किसी की बात काट रहे हो या एक तरफा बातें कर रहे हो। स्टॉप, ब्रीथ एंड दूसरे को अपनी बात खत्म कर लेने दो। नंबर 2, कॉन्वर्सेशंस में तुरंत जवाब देने से पहले 5 तक काउंट करो। इस पॉज का यूज ये तय करने के लिए करो कि क्या तुम्हारा जवाब जरूरी भी है। नंबर 3, रोज कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम्हारे पास ना तो फोन हो, ना म्यूजिक, ना कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन। इस टाइम पर अपने थॉट्स को आने दो और उन पर इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, बल्कि मन की इस आवाज को सुनो और समझो। ये तुम्हें सेल्फ अवेयर बनने में हेल्प करेगा। नंबर 4, जब तुम्हारे इमोशंस भड़क रहे हों तो तुरंत उस पर रिएक्ट मत करो। थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाओ और शांत रहो। इमोशंस को सिर्फ तब ही शेयर करो अगर ये तुम्हारे या दूसरों के लिए सही हो। नंबर 5, अपने दिमाग की लगातार कमेंट्री के बजाय माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो। अपना ध्यान फिजिकल सेंसेशंस या न्यूट्रल ऑब्जर्वेशंस पर रिडायरेक्ट करो। सो मेक द चॉइस दैट चेंजेस एवरीथिंग। अगली बार तुम जब भी परेशान हो, झगड़े में या कॉन्फ्रंटेशन में हो, क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, तो खुद को एक ऑटो पायलट पर रखकर थॉटलेसली रिएक्ट मत करो। उस एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन में जिसमें या तो तुम खुद को साइलेंट रख के सोच समझ के डिसीजन लोगे या बस मुंह खोल के बिना कुछ सोचे समझे जो मन में आए बोल दोगे, हर बार यही चॉइस तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगी। तो क्यों ना साइलेंस में छुपे गिफ्ट्स को अचीव करो। वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शंस के बीच में छिपे साइलेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को, या दूसरे शब्दों में कहूं तो अपने 2.0 को अनलॉक करो।